समझा दें, मेरी बात समझ में आती है यार। जौनपुर से सरस सिंह, हम लोग इंटर कॉलेज माध्यमिक वित्तभीन के शिक्षक हैं और आप 87% माध्यमिक शिक्षा में हमारी भागीदारी है, लेकिन सरकार द्वारा लगातार हम लोगों को कभी बेइज्जत किया जा रहा है, कहीं अपशब्द बोला जा रहा है, हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। हमारी मांगे हैं कि सम्मानजनक हमको मानदेय दिया जाए। पिछली सरकार हमको सम्मानजनक मानदेय दे रही थी, नहीं दी, लेकिन कुछ तो मानदेय शुरू किए 1000 रुपया। और जब ये सरकार जब बनी है तो बनने से पहले कहा था कि हम आपको सम्मानजनक मानदेय देंगे, आपकी सेवा नियमावली बनवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। हम लोग आज भी, हमारा पूरा परिवार भूखों मर रहा है। अगर हमारे शिक्षक एक्स्ट्रा कार्य न करें तो शायद उनके घर की रोजी रोटी एकदम से ख़त्म हो जाए। मैं आज इस जंतर मंतर पर उत्तर प्रदेश के सभी वित्तभीन शिक्षकों की तरफ से, हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से, देश के युवा हमारे कर्मठ जो बोले जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि हम वित्तभीन शिक्षकों के दर्द को समझें और उनको सम्मानजनक मानदेय दें। कम से कम अगर 25,000 भी अगर वो दे देते हैं सम्मानजनक मानदेय, तो हमारे घर का, परिवार का, आजीविका सम्मान ढंग से चलेगा। इसके लिए हम उनके साथ रहेंगे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो 2019 में हम वित्तभीन शिक्षक बूथ बूथ पर जाकर के, एक एक गांव में जा कर के उनका विरोध करेंगे और उनको जितना भी उनके खिलाफ वोट हो सकेगा हम लोग उनको वोट देंगे। के शुक्ला, प्रदेश महासचिव प्रबंधक महासभा। ब्रज किशोर शुक्ला, प्रदेश महासचिव प्रबंधक महासभा। आज जिस तरीके से आप जंतर मंतर पर आए हैं और आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ऐसे मुद्दे को लेकर के आप लोग आए हैं? हम लोगों का मुद्दा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख शिक्षक, 21,000 विद्यालय हमारे हैं, जो 87% एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का काम है, और उनके शिक्षकों को 1,000 रुपये से लेकर 5,000-10,000 रुपये तक हमारे प्रबंधक बहुत खून पसीने की कमाई से उनको देते हैं। पिछली सरकार ने संघर्ष करके, संघर्ष में हम लोगों ने सहभागिता किया माननीय उमेश द्विवेदी जी और संजय मिश्रा जी की अगुवाई में, आदरणीय अखिलेश जी की सरकार ने 1,000 रुपये मानदेय के रूप में शुरुआत की थी। ये भाजपा की सरकार जब चुनाव में आई, इसने कहा कि ये तो अपमान कर दिया है, गुरुओं का अपमान किया है, हम आएंगे तो सम्मानजनक मानदेय देंगे। हमारे शिक्षकों ने बहुत मेहनत करके भाजपा की सरकार बनवाई और सरकार बनते ही मानदेय काट दिया गया। हम लोग सड़क पे यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे 75 जिले में। हम लोग, आप लोगों के साथ छल कपट हुआ, बहुत बुरा बर्ताव हुआ है, छल कपट नहीं, हमारे पूर्वजों को भी गाली दी गई। आदरणीय योगी जी ने कहा इनके पूर्व जन्मों का कर्म है, ये शिक्षक नहीं है, अयोग्य हैं, ये सिर मुड़वाते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रेणु बहन जी ने शिक्षक दिवस के दिन अपना बाल मुड़वाया और उस पर योगी जी ने बहुत अभद्र टिप्पणी की। हम उनकी उस टिप्पणी की निंदा करते हैं और निश्चित रूप से अगर उन्होंने सम्मान नहीं दिया, वेतन और मानदेय नहीं दिया, तो हम 2019 में उनको ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, उनको भगाने का काम करेंगे। जी, मैं मनोज गुप्ता, कुंडा जिला प्रतापगढ़ से, प्रतापगढ़ जिला उपाध्यक्ष हूँ वित्तभीन शिक्षक महासभा का। हम लोग माननीय उमेश द्विवेदी और बी के शुक्ला जी के नेतृत्व में यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो इस सरकार को बदलने का कार्य करेंगे और इस सरकार को जवाब देंगे कि शिक्षक क्या है। तरीके से आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, एक कहते हैं ना प्रिय होना बालों का, औरत के लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से आपके लिए टिप्पणियां की जा रही हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में 3.25 लाख वित्तभीन शिक्षक है जो 2,000, 4,000, 5,000 रुपए में अपना जीवन यापन करता है। हम लोग विद्यालय अगर नहीं जाएंगे
तो 2-4 हज़ार जो मिल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। और धरना प्रदर्शन था, हमारी बात सरकार तक कैसे पहुँचे, हमने अपने 3 लाख शिक्षक और शिक्षिका बहनों के लिए जो अपनी बात कहने के लिए आपने बाल घुटवाए हैं और योगी जी को बताया, केवल एक ही मांग थी, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप हमको पैसा कह दीजिए कि हम मानदेय नहीं दे पाएंगे। लेकिन और उल्टा हमको आयोग्य शिक्षक कह दिया, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज डीएम हैं, एसडीएम हैं और उच्च अधिकारी, और खुद ये भी किसी शिक्षक से पढ़े होंगे, लेकिन इन्होंने जो हम लोग को आयोग्य शिक्षक कहा, इसीलिए हम लोग पूरे 75 जनपद में निंदा यात्रा निकाली और आज इसका समापन 7 जनवरी दिल्ली में है। अगर हम वित्तहीन शिक्षकों का मानदेय सरकार ने ना दिया तो हम लोग 2019 में आने वाले लोकसभा के चुनाव में प्रत्येक शिक्षक बूथ बूथ जाकर भाजपा सरकार का विरोध करेगा। मंडल से राजेश कुमार कश्यप, बिजनौर से हम पहुंचे हैं। वर्तमान सरकार ने जो हमारा मानदेय पूर्व सरकार के द्वारा अखिलेश जी के द्वारा दिया जा रहा था 1,000 रुपये प्रति माह, वो 1,000 रुपये प्रति माह इस सरकार ने हमारा मानदेय बिल्कुल बंद कर दिया है। कहने का मतलब, और हमको कह दिया कि अयोग्य शिक्षक है, जबकि हम अयोग्य शिक्षक नहीं हैं, पूर्ण शिक्षक की भांति कार्य करते हैं, पूर्णकालिक शिक्षक की गिनती में कहलाते हैं। अतः हम सरकार से चाहते हैं हमारे मानदेय को पुनः जारी करें और हमें पूर्ण समान कार्य के लिए समान वेतन दे, ऐसी सरकार से हम अपेक्षा करते हैं। आज आप संसद घेराव कर रहे हैं जी, तो क्या ऐसा कारण है? व्यवस्था ये हुई कि सरकार ने ना तो हमारी प्रदेश में सुनी वो ना यहाँ केंद्र पर सुननी, इसलिए हमने धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम यहाँ पर किया। पूरे 75 जिलों की यात्रा यहाँ पूर्ण समापन के रूप में यहाँ पहुँची है, ताकि माननीय योगी जी और मोदी जी को पता चले देश और प्रदेश में हो क्या रहा है, शिक्षकों के नाम पर आज हाहाकार पूरे प्रदेश में है। जिस तरीके से अब चुनाव आने देखने में आ रहा है, तो क्या कहेंगे इसके? हाँ, तो हम कहेंगे कि सरकार के अनुसार ये बैकफुट पर हो जाएगी सरकार, यदि इन्होंने हमें सम्मान नहीं दिया तो, कहते हमें सम्मान दे तभी हम आगे बढ़े। जिस समय अखिलेश यादव जी की, मैं मंडलीय प्रवक्ता मुरादाबाद से, जिस समय अखिलेश यादव जी की सरकार चल रही थी तो सरकार ने सभी शिक्षकों को मानदेय दिया, लेकिन उस समय इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये आश्वासन दिया कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम इन शिक्षकों को समान कार्य का समान वेतन देंगे, और ये कहा दिया था कि अखिलेश यादव ने इन शिक्षकों को भिक्षा दी है, इनका अपमान किया है, हम अपने समय में इन शिक्षकों का मान रखेंगे और इनको समान कार्य का समान वेतन देंगे। लेकिन शिक्षकों ने इस झूठे आश्वासन पर सरकार को भाजपा को ला करके खड़ा कर दिया, लेकिन इन्होंने अपने वादे और इरादे सब खत्म कर दिए, इसीलिए हम वित्तहीन शिक्षकों ने आगे आकर के आज संसद को घेरने का ऐलान किया है, और हम अपने अटल इरादे के साथ संसद में जाकर के अपने हक का ऐलान करते हैं, और मोदी जी से योगी जी की शिकायत ये करेंगे कि योगी जी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को अयोग्य सिद्ध किया, जिसके और हमारी बहन कुमारी रेणु मिश्रा जी ने इनको अपने केसों का दान किया, इन्होंने उसका भी मान नहीं किया, आज उस अपमान का बदला लेने के लिए और मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनसे योगी जी की शिकायत करने के लिए आज हम संसद पर आए हैं। अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे आप? जब अखिलेश जी की सरकार थी तो 1,82,000 शिक्षकों को मानदेय दिया गया था, 3.5 लाख शिक्षक थे। उसके बाद जब चुनाव हुआ 2017 में तो इन्होंने अपने संकल्प पत्र में ये कहा कि हम तुमको सम्मानजनक मानदेय देंगे, और जब इनकी सरकार बन गई तो जो मानदेय हम लोगों को मिलता था वो भी मानदेय समाप्त कर दिया गया। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने सभी जिलों में हमारे नेता, शिक्षक नेता माननीय उमेश द्विवेदी जी और माननीय संजय मिश्रा जी ने और रेणु मिश्रा जी ने, इन लोगों ने सारे जिलों में भ्रमण किया, निंदा यात्रा निकाली सरकार की, लेकिन योगी जी पर कोई असर नहीं पड़ा। योगी जी टस से मस नहीं हुए, और बल्कि टस से मस नहीं हुए अपितु उल्टे शिक्षकों को उन्होंने अपशब्द कहे। हम सब लोग आज धरना दे रहे हैं। कितने राज्यों से आए हुए आप लोग? एक राज्य उत्तर प्रदेश से, सभी पूरे उत्तर प्रदेश के सभी राज्यों से, 75 जिलों से हम लोग आए हुए हैं, जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, मोदी जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हम लोगों ने आज धरना दिया, और मोदी जी इस बात को सुने, क्योंकि योगी जी ने नहीं सुना, नहीं तो 2019 का चुनाव उनको बहुत भारी पड़ेगा। बागपत से जिलाध्यक्ष रमेश यादव, हमारी जो शिक्षक हैं साथी 87% शिक्षा हमारे लोग दे रहे हैं वित्तहीन शिक्षक, और शिक्षक दिवस पर योगी जी ने हमें
जो है अयोग्य घोषित किया, जो 30 साल सन 1986 से शिक्षा देते आए हैं उन्हें अयोग्य कहा, जो हमारे पढ़ाए हुए कहीं डिप्टी हैं, कहीं मास्टर हैं, कहीं कलेक्टर हैं, कहीं दरोगा हैं, उन शिक्षकों को अयोग्य कहा जो इतनी सीढ़ी पर उन्हें पहुंचाया है। हमें अयोग्य तब कहते हैं जब उन शिक्षकों को हटाएं, हमारी जो डिग्री है उन्हें फर्जी घोषित करें और नए विद्यालय खोलें और उनमें नई नियुक्ति करें, तब हमें अयोग्य कहते। और हमारी बात नहीं सुनी गई उत्तर प्रदेश में, उस बात को मनाने के लिए हम यहाँ जंतर मंतर पर योगी जी को सामने प्रस्तुत करने आए हैं कि हम अपने आप को जो है लड़ाई अंतिम समय तक लड़ेंगे, क्योंकि हमारी उत्तर प्रदेश में नहीं सुनी जा रही है। इसमें सुने और नहीं तो जो है इसका अंतिम जो चुनाव आ रहा है योगी मोदी जी का, उसमें जिस तरीके से हार हुई है वो सीट फिर दोबारा कभी सोचेंगे भी नहीं, ऐसा उनका हाल होगा यदि शिक्षकों को जो उन्होंने त्रस्त किया तो। मैं धन्यवाद। दिनेश शर्मा, जनपद शामली महामंत्री। जब हम अयोग्य हैं तो हमसे शिक्षक का परीक्षा का या चेकिंग का काम क्यों लिया जाता है? जब हम अयोग्य हैं तो हमें उन स्कूल को मान्यता क्यों दी जाती है जिनपे वो जिनके वो डिग्री मानते हैं? ऐसा क्यों है जब हम योग्य हैं तो हमारे ये तुरंत स्कूल बंद क्यों नहीं कर दिए जाते हैं? यदि हिम्मत है सरकार में, योगी में या मोदी में सरकार में हिम्मत है तो इन स्कूलों को बंद करें, अपनी व्यवस्था खुद करें। आज की अवस्था यह है कि सरकार जो है सरकारी स्कूल चला रही है उसमें 500 बच्चे नहीं है, 40 बच्चे मिलते हैं, उसमें 10 शिक्षक मिलते हैं। सबसे ज्यादा 87% वित्तविहीन कॉलेज वाले ही इन विद्यार्थियों को एजुकेशन देने मामले सबसे आगे है। 13% ही एडिड कॉलेज या सरकारी कॉलेज इनके सरकार के हैं। जब यह जनता इनके अंदर हवा भरने का काम करती है तो हवा निकाल भी सकती है, और जब हवा निकलती है ना वो फट जाता है, जब गुब्बारे से हवा निकलते दब के अंदर वो पड़ जाते हैं। यदि हम अयोग्य हैं तो इनके अधिकारियों को बच्चे हमारे स्कूल में क्यों पढ़ते हैं, क्यों अयोग्य बना रहे हैं? मंत्री के हमारे यहाँ अब आपकी लास्ट डिमांड क्या है जी? हमारी डिमांड समान काम का समान वेतन जो सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, जो कई राज्यों में लागू हो भी चुका है, सर्वोच्च न्यायालय में दिया। जब हमारा देश जगत गुरु के नाम से कहा जाता था उस समय शिक्षा की पद्धति ऐसी थी कि सबको अच्छी शिक्षा दी, लेकिन जैसे जैसे सरकार आ रही है, अंग्रेजी सरकार ने आकर के देश में शिक्षा पद्धति खत्म कर दी, और ठीक उसी के पद चिन्ह पर चल करके हमारी भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षक को अयोग्य घोषित करके शिक्षक की मनोभावना पर ठेस दिया है। और मैडम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि शिक्षक को ही समान मान नहीं दिया जाएगा, शिक्षक का मान नहीं रखा जाएगा, तो शिक्षक क्या शिक्षा देगा? और जब शिक्षक ही नहीं देगा तो हमारे देश का क्या होगा? और उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहाँ से जो है संविधान की है, हमारे जो है स्वतंत्र होने की लड़ाई लड़ी गई थी, जिला मुजफ्फर जो है जिला मेरठ से मंडल मुरादाबाद से ये लड़ी गई मंडलीय करने के लिए दिल्ली के। मैं वर्तमान सरकार से कहना चाहता हूँ कि पिछली सपा सरकार द्वारा जो वित्तविहीन शिक्षकों को 2.5 लाख परिवारों को 800 से लेकर 1,000 रुपये देने का जो कार्य किया था, वर्तमान सरकार ने उसे यह कहते हुए कि यह भीख है, हम भीख के बदले आपको सम्मानजनक रोजगार और वेतन देंगे, इस वर्तमान सरकार ने हम लोगों से वह मानदेय भी छीन लिया। हम कहना चाहते हैं क्या वो भीख का पैसा आप वापस ले लिया? उस भूख के पैसे से इस सरकार का कितना गुजारा हो रहा हम यही देखना चाहते हैं, और सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर आप सम्मानजनक नहीं देना चाहते तो हमें वो भीख ही वापस दे दे। धन्यवाद। से कहना चाहते हैं जो पिछली सरकार ने वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय दिया था, उत्तर प्रदेश की वो भाजपा सरकार इन शिक्षकों को मानदेय दे, क्योंकि ये शिक्षक बड़ी बेरोजगारी से भुखमरी से गुजर रहे हैं, और जिस सरकार ने पिछली सरकार ने मानदेय दिया था उसे कम से कम इसे छीनने का काम तो ना करें, अगर बढ़ा नहीं सकते तो। और क्या मांग कर रहे हो? मांग यही है कि उत्तर प्रदेश में 87% माध्यमिक शिक्षा को ढोने वाले ये शिक्षक, अगर उनको मानदेय मिल जाएगा तो एक शिक्षा में उन्नति होगी और गुणवत्ता परक शिक्षा जो है ये सरकार को उपलब्ध करा सकेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।